बजट सत्र में इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बिल। राज्य में निवेश लाने के लिए प्रदेश सरकार उठाएगी नया कदम। हिमाचल विधानसभा के आगामी बजट सत्र में ही राज्य में स्थापित होने वाले इन्वेस्टमेंट ब्यूरो को लेकर फैसला लिया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार राज्य में निवेश लाने के लिए यह कदम उठाने जा रही है। इस बारे में एक महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश किया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार नए एक्ट के जरिए इन्वेस्टमेंट ब्यूरो की स्थापना करेगी। इसमें निवेशकों को कई तरह की औपचारिकताओं से मुक्ति दिलाई जाएगी। इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनने के बाद निवेशकों के लिए सभी तरह की मंजूरियां सरकारी विभाग ही लेकर देंगे। वर्तमान में औद्योगिक प्रस्तावों की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू है और इसी सिस्टम को अब इन्वेस्टमेंट ब्यूरो के जरिए बदला जाएगा। इसके तहत धारा 118 दिल्ली जाने वाली मंजूरी की प्रक्रिया भी बदली जा सकती है। ये थोड़ी और सरल होगी। मुख्यमंत्री के स्तर पर इस बारे में 2 बार बैठकें हो चुकी है। अब एक समीक्षा बैठक का इंतजार है। इसके बाद बिल के ड्राफ्ट पर सभी एडवाइजरी विभागों से राय ली जाएगी और फिर इसे विधानसभा में रखा जाएगा। दरअसल हिमाचल को भारत सरकार से बल्क ड्रग पार्क मिलने के बाद राज्य में निवेश का एक नया माहौल बनेगा। खासकर फार्मा के सेक्टर में नया निवेश आ सकता है। कई इंसेंटिव देगा हिमाचल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बताया कि हिमाचल अब एक प्रभावी इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनाएगा जो अन्य राज्यों से एकदम अलग होगा, क्योंकि जमीन, वन और पर्यावरण से संबंधित मंत्रियों में काफी वक्त लग जाता है, इसलिए इस वक्त को कम किया जा रहा है। राज्य में निवेश करने के लिए कई तरह के इंसेंटिव भी दिए जाएंगे।